ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो मीठा मूंगफली। अरे मुन्ने को भूख क्यों लगी? अरे लगता है मुन्ना फैन देख रहा था, फैन में 3 ब्लेड क्यों होते हैं, मुन्ना यही सोच रहा था, इसलिए उसको भूख लगी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीज वॉरियर। मैं हूँ आरती, आपकी फ्रेंड, और आज मैं लेकर आई हूँ कुछ न्यू इंटरेस्टिंग जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं, कि आप अपने ही घर पे देखते हैं कि सीलिंग फैन में 3 ब्लेड क्यों होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आती हूँ, और साथ में गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट्स प्रिपरेशन के कुछ कॉन्टेंट भी। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। भारत में ज़्यादातर 3 ब्लेड वाले सीलिंग फैन ही देखने को मिलते हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में 5 ब्लेड वाले फैन भी होते हैं। अच्छा बताइए, जब आप थक हार के घर आते पसीना से लथपथ होके, तो आप फैन ढूंढते हैं कि मुझे फैन मिल जाए जिससे मेरा पसीना सूख जाए, और आपको लगता है कि ऐसा फैन जो कि सीलिंग फैन हो सकता है या फिर टेबल फैन हो सकता है। तो आपने कभी पसीना सुखाते सुखाते कभी गौर किया होगा कि आखिर इसमें 3 ब्लेड ही क्यों होते हैं? अगर आपने नहीं सोचा है तो मैं बताती हूँ आखिर ऐसा क्यों होता है। चलिए, दुनिया में 5 ब्लेड वाले फैन भी होते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों है, मतलब 5 ब्लेड वाले भी होते हैं, 3 ब्लेड वाले भी होते हैं, मतलब क्या। भारत में ज्यादातर 3 ब्लेड वाले सीलिंग फैन ही देखने को मिलते हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में 5 ब्लेड वाले फैन भी होते हैं। अब 3 ब्लेड वाले सीलिंग फैन के पीछे तो हम जानेंगे ही क्या कारण है, उससे पहले हम समझते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने डिजाइन करने में बड़ी गड़बड़ी कर दी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि बढ़िया सीलिंग फैन के लिए क्या आप चाहेंगे, आखिर चाहेंगे यही ना कि बहुत ही अच्छी हवा दे, शोर कम हो, आपकी तरफ हवा ज्यादा से ज्यादा फेंके। टेक्निकली अगर हम देखें तो माना जाता है कि जो सीलिंग फैन की, जो सीलिंग फैन है उसकी जो ब्लेड जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा हवा आपको मिलेगी। तो चलिए आइए रिसर्च के आगे चलते हैं, आखिर रिसर्च क्या कहती है। रिसर्च के अनुसार अच्छे से अच्छा हवा फेंकने के लिए 3 ब्लेड को ही उपयुक्त माना गया है। अधिक यानी कि ज़्यादा ब्लेड होने पर पंखे के मोटर पर दबाव पड़ता है, और इसकी वजह से हवा फेंकने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है, यानी कि हवा अच्छे से नहीं फेंक पाता है। तो देखिए, जब 2 ब्लेड हो रहेगा तो हवा को बांधने में, यानी कि हवा को कैच बाहर से अंदर लाने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए 2 ब्लेड तो किसी भी एंगल से हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए 3 फैन यानी कि जो 3 ब्लेड है उसको मिनिमम बोला गया है, कि अगर आप कोई सा भी सीलिंग फैन यूज कर रहे हो तो आपको 3 ब्लेड तो मिनिमम होने ही चाहिए। हालांकि कई जगहों पर इसका डिजाइन वातावरण पर निर्भर करता है, लेकिन अमेरिका, कनाडा और बाकी के ठंडे मौसम वाले देशों में 4 ब्लेड वाले पंखे देखने को मिलेंगे आपको। इनका इस्तेमाल पूरे कमरे में हवा फैलाने के लिए होता है, ना कि गर्मियों में पसीना सुखाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ठंडा एरिया है, तो उन्हें जस्ट हवा को फैलाना है, लाइक थोड़ा सा एक ब्लोइंग चाहिए होता है हवा में। अब हम बात करते हैं कि आखिर 3 ब्लेड के जो फायदे हैं वो सीलिंग फैन में जो 3 ब्लेड है उसके क्या फायदे हैं। भारत एक गर्म देश है, सभी जानते हैं, सीलिंग फैन यहाँ कमरों में ठंडक पहुंचाता है, इसलिए यहाँ 3 ब्लेड वाले पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। कम ब्लेड वाले होने की वजह से ये तेजी से हवा चलाते हैं और आवाज भी ज्यादा नहीं होता है। 4 ब्लेड की तुलना में 3 ब्लेड वाले पंखे कम बिजली भी खींचते हैं, साथ ही आम लोगों के बजट में भी फिट होते हैं। भारत में पंखा घर घर में चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लगाया जाता है। हल्का होने के साथ साथ ये बहुत ही तीव्र गति यानी कि बहुत तेजी से चलता है, और एसी की तुलना में काफी बिजली की भी बचाता है। पंखा अच्छी हवा तभी फेंकता है जब वह हल्का हो और उसके ब्लेड्स कम हो, या टेक्निकली यही कहा जाता है। यही वजह है कि आपने यहाँ आमतौर पर 3 से अधिक ब्लेड वाले पंखे कभी इस्तेमाल नहीं किए होंगे भारत। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड प्लीज बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोज लेकर आऊंगी, कुछ नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आमतौर पर आम जिंदगी, आई मीन डेली बेसिस पे आप देखते ही रहते होंगे, बट आपको ये समझ नहीं आता होगा कि आखिर इसके पीछे क्या है, साइंस क्या है, क्या रीजन है। तो मैं हूँ आपकी फ्रेंड, हमेशा ये बात बताती रहूंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एंड यस, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स या फिर आपके कोई रिलेटिव, तो प्लीज आपको आप ये वीडियोस या फिर आप ये चैनल प्लीज रिकमेंड करिए, बिकॉज मैं चाहती हूं कि इंडिया में हर इंसान, हर बच्चा हर चीज को जाने समझे, ताकि देश आगे बढ़े। एंड सो थैंक यू सो मच, यहां तक आपने वीडियो को देखा, मुझे सुना आपने, सो थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।